नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन है और खास बात में आपका स्वागत है। आइए आज के लेसन में देखें गिटार कॉर्ड स्ट्रमिंग पैटर्न। फिल्म घरौंदा से ये गीत है एक अकेला इस शहर में। इसे ओरिजिनली गाया था भूपी दा ने, म्यूजिक जयदेव जी का था और लिरिक्स गुलजार साहब का। गाना आपका डी मेजर में है, बहुत ही सिंपल कॉर्ड्स हैं, स्ट्रमिंग पैटर्न भी बहुत ही सिंपल है। आप चाहें तो पूरे गाने को तीन कॉर्ड के साथ बजा सकते हैं, डी, जी और ए। इसके अलावा एक दो कॉर्ड्स मैंने और यूज़ किए हैं और लेसन के एंड में हमेशा की तरह सारे कॉर्ड्स स्ट्रमिंग पैटर्न डिटेल में जरूर देखेंगे। गाने का स्केल बहुत ही सिंपल है और कॉर्ड प्रोग्रेशन भी बहुत ही सिंपल। एक आध जगह कुछ स्पेशल कॉर्ड्स यूज किए गए हैं और हम लेसन के एंड में स्केल और कॉर्ड्स के बारे में चर्चा हमेशा की तरह जरूर करेंगे। गाने के लिरिक्स और कॉर्ड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और आज का लेसन है मेरा साथ देंगे धीरज बरला। तो आइए देखें एक अकेला इस शहर में। एक अकेला इस शहर में रात यार दो देखें गाना में कौन कौन से कॉर्ड्स हैं। अगर आप बार कॉर्ड जा सकें तो डी मेजर, ए मेजर, जी मेजर, इसके अलावा बी माइनर भी है। एक दो जगह हमने डी सेवन भी बजाया है, चाहे तो यू भी बजा सकते हैं। इसके अलावा इंटरल्यूड म्यूजिक में बी सस्पेंडेड टू भी है और डी मेजर सेवंथ भी है। और अगर आप ओपन कॉर्ड में जाना चाहें तो डी मेजर, जी मेजर, ए मेजर, बी माइनर और डी सेवन। आइए स्ट्रमिंग पैटर्न में देख ले, मैंने इस तरह से बजाया है। अगर आप ये म्यूटिंग न लगा पाए तो यूं भी बजा सकते हैं। पैटर्न है ।
तो आइए देखें आज के लेसन में जो हमने स्केल यूज़ किया, जो कॉर्ड्स यूज़ किए, उनमें क्या खास बातें हैं। गाना आपका स्टैंडर्ड डी मेजर स्केल में था, सारे स्वर शुद्ध थे, एक आध वेरिएशन जरूर थे और वहाँ पर हमने कुछ और कॉर्ड्स यूज़ किए। तो आइए देखें गाने के स्केल को थोड़ा डिटेल में और देखेंगे कुछ कॉर्ड्स वहाँ पर जो यूज़ किए गए हैं वो वहाँ पर कैसे फिट किए गए। आइए गाने के स्केल को देखें। गाना आपका डी मेजर में है, तो अगर आप डी यहाँ से बजाएं, यानी कि डी ई एफ शार्प जी ए बी सी शार्प और डी, चूंकि सारे स्वर शुद्ध है इसलिए पूरे गाने में आपको डी मेजर जी मेजर और ए मेजर ये तीन कॉर्ड बहुत प्रोमिनेंट मिलेंगे। लेकिन गाने में एक दो जगह आपने देखा होगा हमने डी सेवंथ में बजाया है और वो इसलिए क्योंकि वहां पर जो है आपका मेलोडी लाइन थोड़ी देर के लिए इस नोट को टच करता है, ये आपका सी नोट है, यानी कि शुद्ध नी की जगह कोमल नी, ये आपका शुद्ध नी है, ये आपका कोमल नी है। इस कोमल नी को टच करते ही ये जो आपका सी नोट है, आप चाहे तो वहां पे सी मेजर भी बजा सकते हैं, लेकिन अगर आप डी सेवंथ बजाएंगे तो आपको वो सी नोट वहां पर मिल जाएगा, चाहे तो यहां भी जा सकते हैं। डी के बाद अगर आप डी सेवन बजाते हैं और फिर जी तक जाते हैं तो वो आपका ट्रांजिशन ज्यादा स्मूथ होता है और अक्सर म्यूजिशियंस इस रूट को अपनाते हैं। अगर आप चाहें तो डी के बाद सी और फिर जी बजा के देखें उसी लाइन पर, तो वो भी सुनने में सही लगेगा। तो जैसा भी आपने देखा गाना मेजर स्केल में था और शुद्ध नी की जगह जहां पर कॉमन यूज किया गया वहां पर कैसे टॉनिक नोट पर बना हुआ एक सेवंथ कॉर्ड यूज करके गाने को एक अलग सा फील दिया गया। इस तरह का फील और भी बहुत से गानों में आपको मिलेगा जहां पर मेजर स्केल में जब गाना कॉमन नी को टच करता है तो कॉमन नी पर बने हुए मेजर कॉर्ड की जगह टॉनिक नोट यानी कि सा नोट पर बना हुआ आपको एक सेवंथ कॉर्ड मिलेगा। उन लेसन की मैं आपको लिंक्स दूंगा, आप देखें आपको अच्छा लगेगा। बॉलीवुड के गानों में तरह तरह के स्केल्स यूज किए जाते हैं, तरह तरह के कॉर्ड प्रोग्रेशन यूज किए जाते हैं। आपको इन सब बातों के बारे में और जानकारी हासिल करनी हो तो आप मेरे वेबसाइट पर जाएं khasbaat.in, वहाँ पर आपको मेरे सारे लेसन्स सजाए हुए मिल जाएंगे, आने वाले लेसन्स के अनाउंसमेंट्स भी, और आपको मेरे लेसन्स को खोजने में आसानी भी होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेसन पसंद आया। हमेशा की तरह अपने कॉमेंट्स और फीडबैक मुझे भेजें, मैं जवाब देने की जरूर कोशिश करूँगा। तो अगले हफ्ते खास बात में फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।